तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप डोमेन कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डोमेन कंपैरिजन। प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा होगा ये चरेफ के बारे में। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। सो आज हम देखने वाले डोमेन कंपैरिजन के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है, इसके बेनिफिट्स कैसे कैसे और क्या क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ क्या करिए, आप अपना वेबसाइट डाल दीजिए, अपने कॉम्पिटिटर का वेबसाइट डाल दीजिए, ऐसा आप एटलीस्ट 5 डाल सकते हो। तो मैं आप फिलहाल मैं क्लिक कर देता हूँ कंपेयर पे। तो जैसे आप कंपेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कंपैरिजन कि कैसे है, कैसे कैसे आपके वेबसाइट है और उनका कैसा है। तो रुद्राक्ष जेमस्टोन का 0.4 है, इनका 0 है। रेफरेंस डोमेन्स कितने हैं, 63, इनका 0 है। तो आप ऐसी कंपेयर कर सकते हो कि अगर आपका समझो अगर आप रेफरेंस डोमेन कम होता आप मेरा इनसे, तो मैं क्या करता, अपना रेफरेंस डोमेन बढ़ाने की कोशिश करता। वेज जुनता कि कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको जैसे कि इधर रेफरेंस एजुकेशन डोमेन्स कितने 0 है, तो मैं इस पर काम करूँगा बढ़ाने के लिए। ऐसा आप सारा को आपको सारा कुछ ओवरव्यू मिल जाएगा, आप आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट कितना है, डू फॉलो लिंक्स हैं कितने हैं, नो फॉलो लिंक्स कितने हैं, रीडायरेक्शन कितने हैं, इमेज कितने हैं, फॉर्म्स है क्या नहीं है, .gov वेबसाइट है कि नहीं, .edu वेबसाइट है कि नहीं, आपको सारा कंपेरिजन करके यहाँ पर मिलता रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट कितना है, रिडायरेक्शन कितना है, फॉर्म्स कितना है, आपको एक ग्राफ में पता चल जाएगा। नो फॉलो लिंक्स कितने हैं, डू फॉलो कितने लिंक्स है, आपको ये पता चल जाएगा। रेफरिंग डोमेन्स कब से कब इसका काम चालू हुआ, मतलब कब से इनका मिलने लगा। न्यू एंड लास्ट रेफरिंग पेजेस कितने हैं, फ्रिक्वेंसी कैसे है उनका पता चल रहा है, रेफरिंग पेजेस कैसे और कब से इनको रेफरिंग इनके पेजेस को रेफर करना लोगों ने चालू किया है। तो यहाँ पर ऐसे आपको सारा ओवरव्यू मिल जाएगा आपका और आपके कॉम्पिटिटर का। तो ये वेबसाइट का कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से नहीं आ रहा। तो आपका ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, जैसे कि आपको देख पा रहे हो, आपको आइडियाज़ मिल जाएगा आप और आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और आप उसके हिसाब से काम कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिए। और कल हम लोग मेरा दूसरा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है बैच एनालिसिस के ऊपर, मिलते हैं कल की वीडियो में। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि कल मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए बैच एनालिसिस का। सो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंस अगेन बाय बाय।